नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। बुधवार रात 10 से 12 से ज्यादा लोगों पर इबादतगाह में नमाज में बाधा डालने और नमाजियों के साथ मारपीट करने का आरोप है। उन्होंने महिलाओं के साथ भी कथित बदसलूकी की है, ये भी आरोप उन पर लगा है। बाद में लोगों की भीड़ जमा होने पर हमलावर वहां से भाग निकलने में कामयाब रहे। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली है और उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये सारा मामला दिल्ली से सटे गुरुग्राम का है, उसी गुरुग्राम का जहां अभी कुछ समय पहले सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर काफी बवाल देखा गया था। नमाजियों और हिंदू संगठनों के बीच पुलिस को बीच बचाव के लिए उतरना पड़ा था और अब उसी गुरुग्राम के पटौदी के भूरा कला इलाके से एक बार फिर ऐसा ही मामला सामने आया है। लेकिन इस बार आरोप है कि हिंदू समुदाय के कुछ लोग मस्जिद में जबरन घुस गए और नमाज पढ़ रहे दो बुजुर्गों के साथ मारपीट की, यहां तक कि उन्हें बाहर निकालकर मस्जिद में ताला भी जड़ दिया। तीन भाई को उन्हें पकड़ के धक्का मारा है, हमारे जो दो बुजुर्ग थे उनको भी धक्का मारा है। धक्का मारने के बाद उनकी दाढ़ियां पकड़ी हैं और उनकी कुर्सी मारी है और मुझे भी बाहर भगा दिया गया है। तो इन लोगों को उन्होंने दबोच लिया, मैं कैसे ही जान बचा के बाहर आया। पुलिस जी हमारी जब हमने उनके पास कॉल किया, पहले तो उन्होंने कॉल उठाया नहीं, 10-15 मिनट उन्होंने कोई कॉल उठाया नहीं। फिर जैसे ही कॉल उठाते हैं, कॉल उठाने के 5-6 मिनट पश्चात आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद वो सबसे पहले पूछते हैं कि कौन कौन लोग मौजूद थे यहाँ पे। तो जो हम चार लोग मौजूद थे उनको साथ ले जाते हैं और मस्जिद देखते हैं तो मस्जिद पर ताला लगा हुआ था। ये बात हमें भी नहीं पता था कि मस्जिद पर ताला लगा है। ताला किसने लगाया? ताला ये वही लोग लगाए, आके ही लगा के गए, जो बंदे आए। क्योंकि जब वो सुबह एक बार आए थे तो वो कह के गए थे कि शाम तक हम मस्जिद को ताला लगा। सूचना मिलते ही बिलासपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ताला खुलवाया गया, जिसके बाद पुलिस ने अंदर पहुंचकर वीडियो रिकॉर्डिंग की कि किस तरीके से मस्जिद में तोड़फोड़ की गई है। साथ ही शिकायत पर अज्ञात युवकों के साथ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। इधर इलाके में तनाव ना बढ़े इसके लिए दोनों पक्ष के मौजूद लोगों ने गुरुवार को बैठक की है। उसमें हिंदू समुदाय के लोगों ने युवक द्वारा की गई हरकत पर अफसोस जताया है। निर्णय लिया गया है कि दोनों पक्ष मामले को हवा नहीं देंगे। पटौदी की जिस जगह पर नमाज को लेकर विवाद हुआ है, वहां नमाज के लिए बाहरी लोगों के आने पर 2013 में भी बात बिगड़ गई थी, लेकिन बाद में प्रशासन ने समझौता करा दिया था। स्थानीय लोगों के मुताबिक मजार को मस्जिद के तौर पर विकसित करने की प्रक्रिया चलने लगी तो पटौदी SDM के द्वारा समझौता कराया गया था। हिंदू पक्ष के रवि कुमार का कहना है कि जिस जमीन पर लोग नमाज पढ़ते हैं वह उनके दादा ने किराए पर मुस्लिम समुदाय के एक व्यक्ति को दी थी। वे चाहते हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोग अब इस जमीन को खाली कर दें और उन्हें वापस दे दें। अब इस बवाल के बाद लगातार पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है और उन अज्ञात लोगों पर कार्रवाई करने की बात कह रहा है। इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें वीके न्यूज के साथ। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।